सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर वीडियो। मेरा नाम है पीयूष और आप देख रहे हो बाय टैट टेक। तो कल मैंने एक बात नोटिस करी और ये बहुत दिनों बाद, कि जैसे जैसे हम चलते हैं चांद भी हमारे साथ साथ मूव करता है, और बचपन में क्या होता था, हम इसे ओवरटेक करने की कोशिश करते थे। तो आपके साथ ऐसा कितनी बार हुआ है या आपने ऐसा कितनी बार ट्राई किया है, तो प्लीज इसे कमेंट में जरूर बताना। तो जो हमारी पहली न्यूज निकल कर आ रही है वो आ रही है सैमसंग की तरफ से। तो फोन तो आते रहते हैं बट लेकिन लीक एक साल पहले भी निकलना शुरू हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा अभी आईफोन 12 भी लॉन्च ही हुआ है और आईफोन 13 के लीक आने शुरू हो गए थे। तो इसी तरीके से सैमसंग गैलेक्सी S21 की एक पिक्चर सामने आई है, जहां पर आपको ये कैमरे का डिजाइन देखने को मिलेगा किस तरीके से होने वाला है इसके बैक पे। और इसका यहाँ पर थोड़ा सा बम्प थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है, और डिपेंड करता है यूजर टू यूजर, हो सकता है ये आपको अच्छा लगे या फिर हो सकता है ये आपको थोड़ा डिजाइन थोड़ा ऑड सा लगे। और ऐसा भी लीक्स आ रही है कि जो सैमसंग गैलेक्सी S21 अल्ट्रा होने वाला है उसमें थोड़ा सा कैमरा बम्प आपको ज्यादा देखने को मिल सकता है। तो जो हमारी नेक्स्ट न्यूज निकल कर आ रही है वो आ रही है फ्लिपकार्ट की तरफ से। तो आजकल फ्लिपकार्ट सिर्फ लोगों को सामान ही नहीं बेच रहा है, वो ने करोड़पति भी बना रहा है। करोड़पति आप सोचोगे कैसे, तो जो ये फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे सेल चल रही है, इसके अंदर 3 दिन में, यानी पहले 3 दिन के अंदर फ्लिपकार्ट के 70 सेलर्स ऐसे हैं जो करोड़पति बन चुके हैं और बहुत सारे लखपति बन चुके हैं। तो भैया यहाँ सामान बेचना शुरू कर दो, धंधा वंदा छोड़ो अपना। तो जो हमारी नेक्स्ट न्यूज निकल कर आ रही है वो आ रही है सीधे चाइना की तरफ से। तो चाइना की हर चीज एक या दो ही दिन चलती है, बट एक ही चीज ऐसी थी जो 6-7 महीने चल गई, आप कह लो 8 महीने के आसपास, वो है कोरोना वायरस। और ये जाने का नाम ही नहीं ले रहा, बट अब ऐसी रिपोर्ट्स निकलकर सामने आ रही है कि इंडिया में कोरोना वायरस के केस डिक्लाइन होना शुरू हो गए हैं, जो हमारे लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग अब प्रिकॉशंस ना लो, तो आप अपने हाथ को सैनिटाइज वगैरह और मुंह पर मास्क लगा के बाहर निकला करो। तो जो हमारी नेक्स्ट न्यूज निकल कर आ रही है वो आई है आईफोन की तरफ से। तो आईफोन के जो मॉडल अभी लॉन्च हुए थे आईफोन 12 प्रो और आईफोन 12, उसके स्क्रीन रिपेयर की प्राइस सामने आई है। और फोन खरीदने के लिए पहले आपको किडनी पे करनी पड़ रही थी अपनी, एक तो बड़ा दर्द हुआ होगा। तो एक और आपको हथौड़ा पड़ने वाला है आपके ऊपर, वो है इसकी स्क्रीन रिपेयर के प्राइस का। तो ये अराउंड है 21,000 के आसपास अगर आपको इसकी स्क्रीन को ठीक करवाना है। तो और अगर आप इसकी स्क्रीन ठीक करवाने जा रहे हो, 21,000 रुपये पे कर रहे हो, इसमें 10,000 या 15,000 रुपये और डाल के आपको एक नया एमआई का फोन मिल सकता है या फिर वन प्लस का। तो जो हमारी नेक्स्ट न्यूज निकल कर आ रही है वो आ रही है शाओमी की तरफ से। तो शाओमी के पास पहले एक वायरलेस चार्जर था उसके 55 वॉट का, बट उन्होंने बोला नहीं, हम और तेज बनेंगे और चंटी काटने के लिए वो एक और वायरलेस चार्जर लेके आए हैं, जो है 80 वॉट का वायरलेस चार्जर। और ये आपके 4000 mAh की बैटरी को सिर्फ 19 मिनट में चार्ज कर सकता है। बट हमें सिर्फ ये नहीं देखना चाहिए वो कितना फास्ट चार्ज कर रहा है, कभी कभार हमें ये भी देखना चाहिए कि उसका बैटरी पे कितना ज़्यादा असर पड़ रहा है, क्योंकि ये जो फास्ट चार्जिंग होती है ना, ये आपकी बैटरी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डालती है और ये बैटरी की लाइफ को कम भी कर देती है। तो जैसा कि आप सब लोगों को पता है, हम हर संडे को एक Q&A सेशन रखते हैं जिसमें हम आपके टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सारे डाउट लेते हैं। और अगर आप चाहते हो कि आपके क्वेश्चन हमारे Q&A सेशन में फीचर हो, तो आप हमें हमारे ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर DM अपने क्वेश्चन कर सकते हो, जिसका लिंक नीचे हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो जो आज की हमारी आखिरी न्यूज निकल कर आ रही है वो आ रही है सीधे कोरिया की तरफ से। अब ये मत सोच लेना नॉर्थ कोरिया किम जोंग वाला, नहीं नहीं वहां नहीं जाना भाई। और तो ये है साउथ कोरिया, यानी उसके पड़ोसी की तरफ से। तो जो साउथ कोरिया का टेक जायंट है सैमसंग, ऐसा लग रहा है चोरी छिपे 2 न्यू प्रोसेसर पे काम कर रहा है, वो है एक्सिनोस 2100, जिसका नाम आपने सुना होगा। ये तो S21 में आपको देखने को मिल सकता है, बट इनके अलावा भी 2 प्रोसेसर हैं जो सैमसंग के फोन में देखने को मिल सकते हैं। एक है एक्सिनोस का 9855, जो आपको S22 में 2022 तक देखने को मिल सकता है। और जो अगला है वो है 9925, जो आपको AMD के रेडियन ग्राफिक के साथ 2023 तक देखने को मिल सकता है। बट कुछ र्यूमर्स ऐसे भी हैं कि ये 2021 में भी आ सकता है। बट हाँ, अगर ये AMD के रेडियन के ग्राफिक के साथ आता है ना, तो बिलीव मी गाइस, जो आपको सैमसंग के फ़ोनों में गेमिंग देखने को मिलने वाली ना, उसमें एक बहुत ही बड़ा बूस्ट देखने को मिलेगा और गेमिंग करने में सैमसंग के फ़ोन में मज़ा आ जाएगा। तो अगर आपने हमारी वीडियो यहाँ तक देखी है, तो प्लीज़ गाइस, जो नीचे आपको एक लाल सा बटन दिखाई दे रहा है ना, तो उसे काला कर दो, और अगर पहले से काला है तो उसे दोबारा मत दबाना और बेल आइकन दबा देना, ताकि आपको हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।